नमस्ते दोस्तों, सो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। एंड मैं आपका अपने चैनल केसी ड्रामा जोन हिंदी पे स्वागत करता हूँ। एंड आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उस मूवी का नाम है द बीस्ट एंड द ब्यूटी, जो कि साल 2005 में रिलीज हुई थी। एंड ये मूवी का पार्ट टू है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मूवी के पार्ट टू को देखने से पहले मूवी के पार्ट फर्स्ट को जरूर देख लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तभी आपको पूरी मूवी समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। दूसरी तरफ मार्क सीन को लगातार चेस कर रहा होता है, क्योंकि मार्क भी अब सिन को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। और जब एक रात मार्क सिन को घर छोड़ने आया हुआ होता है, तो वहाँ पास उसे रियो और ड्रैगन ग्रुप का मेंबर उसे देख रहा होता है। ड्रैगन ग्रुप का मेंबर मार्क को मारना चाहता था। उसके लिए उसने प्लान भी बनाया होता है कि वो एक ट्रॉली में कई सारे पत्थर रख देगा और उसे धक्का दे देगा और जिससे टकरा कर मार्क मारा जाएगा। ये सब करने के लिए रियो उसे मना कर रहा होता है, लेकिन वो उसका एक भी बात नहीं सुन रहा होता है। जब रियो देखता है कि वो दोनों किस करने वाले हैं, तो मार्क भी गुस्से में उसका साथ देने लगता है और ट्रॉली में कई सारे पत्थर के साथ ड्रैगन ग्रुप के मेंबर को उसी में बैठा कर ढकेल देता है। और तभी ये ट्रॉली सीन को टकराने वाली होती है, तभी मार्क उसे अपनी तरफ खींच लेता है और मार्क कैंसिन में किस हो जाता है। सिन शर्मा के वहाँ से अंदर चली जाती है। अब ये सब देखने के बाद सीन और ज्यादा जल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मार्क के खुशी का ठिकाना नहीं होता। और तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मार्क को सीन के इतना करीब देख उसे टेंशन हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाता है, और इसीलिए वो अगले दिन उससे मिलने का डिसाइड करता है। अगले दिन जब मार्क सीन से उसके घर मिलने जा रहा होता है, तो वहाँ पर रियो आ जाता है और मार्क को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाता है। और इसी तरह से जब भी मार्क सीन से मिलने आया करता था, वो उसे वहाँ से ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाता था। और मार्क भी नहीं समझ पा रहा था भला ये ऐसा क्यों कर रहा है। मार्क अब रियो से बचकर किसी भी तरह से सिन से मिलना चाहता था, लेकिन हर बार रियो उसके सामने आ जाता है और उसे ज़बरदस्ती अपने साथ चलने के लिए जिद करने लगता है। इसलिए जब भी मार्क उसे देखता था, तभी वह रियो को देखकर वहाँ से भागने लगता था। लेकिन एक दिन मार्क सिन से मिल ही लेता है। मार्क उस रेस्टोरेंट में पहुँच जाता है जहाँ पे सिन पियानो बजाती है, और तभी मार्क उसके पियानो के साथ गाना गाता है। एंड इस रेस्टो के अंदर रियो एंड वो ड्रैगन गैंग का मेंबर भी होता है। ये सब देख के रियो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि मार्क उसके गर्लफ्रेंड के लिए एक रोमांटिक गाना गा रहा है। तभी ड्रैगन गैंग का मेंबर उसे एक तरकीब बताता है और कहता है मैं जाके पावर ऑफ करके आता हूँ, और जब लाइट बंद हो जाएगी तो तुम इस बॉटल को उठाकर मार्क के सर पे तेज से मारना, जिससे उसकी याददाश्त चली जाए। और ये दोनों मिलकर ऐसा ही करते हैं। लेकिन जब लाइट जलती है तो दिखाया जाता है कि बोतल मार्क को नहीं बल्कि सिन को लगी है। सिन के सर पर बोतल लगने के बाद वो बेहोश हो जाती है और इसलिए सिन को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। सिन जब बेहोशी की हालत में होती है और वो सिन से गलती की माफ़ी मांगता है, तभी वहाँ सिन को होश आना शुरू हो जाता है और वो रियो की आवाज़ सुनकर पहचान जाती है कि ये मेरा रियो है। पर इससे पहले कि वो अपनी आँख खोलती, तभी उसके सामने मार्क आ जाता है और रियो वहाँ पास कहीं छुप जाता है, लेकिन सिन उसे देख नहीं पाती। मार्क हॉस्पिटल में हर तरह से सिन का ध्यान रखता है, और जब सुबह सिन की आंखें खुलती है तो मार्क उसी के बेड पर सर रखकर सो रहा होता है। और अब जो उसकी मां के प्रति धारणा थी वो पूरी तरह से बदल जाती है, और जब मार्क उठता है तो वो उसे बोलती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में रियो को दिखाया जाता है, जो एक बार फिर से सर्जन के पास जाता है, क्योंकि एक हफ्ता हो चुका होता है और एक हफ्ते बाद सर्जन ने बुलाया था। और जब डॉक्टर उसके बैंडेज उतारता है तो उसके आईब्रो में एक भी बाल नहीं होते हैं, और मार्क अब समझ जाता है कि उसके आईब्रो में अब बाल नहीं आएंगे, और वो ये भी समझ जाता है कि उसकी सर्जरी गलत हो चुकी है। इस बात से वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जब वह घर जा रहा होता है, तभी उस हॉस्पिटल के बाहर सिन और मार्क बैठे होते हैं। रियो दूर से इन दोनों को देखता है और अब उसे एहसास हो जाता है कि वो सिन के काबिल नहीं है, और उसका मानना होता है कि मार्क ही उसका सही जीवन साथी होगा। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग इसीलिए वो सिन को कॉल करता है।
सिन जब रियो का कॉल रिसीव करती है तो सिन बेचारी बहुत रो रही होती है, लेकिन तभी रियो अपना दुख छिपा के बोलता है कि यहाँ हवाई में बहुत सुंदर सुंदर लड़कियाँ हैं और अब मैं शादी नहीं करना चाहता और इसीलिए मैं हवाई में ही रहूँगा, और वो ये कहकर फोन को काट देता है। सिन को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सीधा उस जगह जाती है जहाँ पर रियो डबिंग किया करता था, और जब वो बिल्डिंग के बाहर होती है तो वह देखती है कि वहाँ पास बहुत सारे हवाई के पोस्ट गार्ड हैं, और ये हवाई के वही पोस्ट गार्ड होते हैं जो रियो सिन को लेटर लिखने में यूज किया करता था। और तभी यहाँ पर रियो का फ्रेंड भी आ जाता है और वो सिन को सब कुछ सच सच बता देता है, और तभी सिन को पता चल जाता है कि हॉस्पिटल में आंखें ठीक होने के बाद जो लड़का फूल देने आया था वो और कोई नहीं बल्कि रियो था, और अब रियो शहर छोड़कर हमेशा के लिए हवाई जा रहा है। ये सब जानने के बाद सिन भागते हुए एयरपोर्ट जाती है, और तभी एयरपोर्ट अथॉरिटी से लड़ते हुए अंदर घुस जाती है। अब सिन उसका चेहरा भी पहचान जाती है कि वही उसका रियो है, पर इसके पहले रियो एयरपोर्ट से निकल पाता वहाँ पर सिन आ जाती है। अब सिन उसे पहचानती है कि वही उसका रियो है, लेकिन रियो उसको पहचानने से इनकार कर देता है और वो बोलता है कि मैं कोई रियो को नहीं जानता। हालांकि अब रियो को भी पता है कि सिन उसके बारे में सारी सच्चाई जान गई है, और तभी यहाँ पे मार्क भी आ जाता है, और तभी मार्क उसे रियो कह के बुलाता है, लेकिन मार्क को ये बात पता नहीं होती है जिसका सिन कई दिनों से इंतजार कर रही है वह कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त है जो बचपन में उसके साथ पढ़ा करता था। और अब रियो यहाँ से जाने लगता है, और तभी इस बात से सिन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे तेज से मारने लगती है, और तभी चिल्ला के बोलती है कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, तुम मुझे छोड़ने के बारे में सोच भी भला कैसे सकते हो। लेकिन रियो सिन की तरफ देख ही नहीं रहा होता है क्योंकि वो अपना चेहरा सिन को नहीं दिखाना चाहता, उसे जरा से भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उसे लगता है कि वो उसके लायक नहीं है। और तभी यहाँ पर सिक्योरिटी और मार्क सिन को रियो से दूर ले जाते हैं, और अब सिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मेरा रियो कभी भी ऐसा था ही नहीं, तुम एक लूजर हो और अब मैं तुम्हारा चेहरा बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती। और तभी ये कहकर सिन वहाँ से निकल जाती है, और रियो भी वहाँ से हमेशा के लिए हवाई निकल जाता है, और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। हालांकि सिन आज भी लेटर बॉक्स के अंदर रियो के लेटर का इंतजार करती है, लेकिन उसे कोई भी लेटर नहीं मिलता। वहीं एक सुबह जब मार्क सिन को लेने आया होता है तो वहाँ पर वो देखता है कि पोस्टमैन सिन के पोस्ट किए हुए सारे लेटर को लेके आता है जो कि सिन ने कभी रियो के लिए लिखे थे, क्योंकि उस पते पर रियो कभी हवाई में था ही नहीं। और यहाँ पर मार्क सारे लेटर को अपने पास रख लेता है, और जब वो घर जाके उन लेटर्स को पढ़ता है तो उसे एहसास होता है कि सिन रियो से कितना प्यार करती है। वो सारे के सारे लेटर्स मार्क रियो के पते पर हवाई में पहुँचा देता है, और इन लेटर्स में एक लेटर ऐसा भी होता है जिसमें सिन ने ये लिखा होता है, आंखें ठीक होने के बाद जो मैंने सबसे पहला वर्ड लिखा था वो वर्ड आई लव यू था। और इन्हीं लेटर में एक लेटर मार्क का भी होता है जिसमें मार्क ने ये लिखा होता है, अब सिन की आंखें धीरे धीरे दोबारा खराब हो रही हैं और इसीलिए अब मैं उसका साथ नहीं दे सकता। और ये लेटर पढ़ने के बाद रियो वापस आ जाता है और सीधा मार्क के ऑफिस में चला जाता है, और तभी वो मार्क को समझाने की कोशिश करता है, और तभी मार्क बोलता है कि मैं ऐसी लड़की के साथ जिंदगी नहीं बिता सकता जो देख ना सके। और ये सब सुनने के बाद रियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और वो मार्क को उल्टा सीधा कहकर सीधा क्लब में जाता है जहाँ पे सिन पियानो बजा रही होती है, और तभी वो सिन से पूछता है क्या तुम्हें सच में दिखना बंद हो गया है, और तभी सिन उसे बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, सो प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, और वो उससे बात भी नहीं करना चाहती थी। और तभी यहाँ पे मार्क भी होता है जो सिन को देखकर हाथ हिला रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है, यानी कि ये पूरा का पूरा मार्क का प्लान था। वो सिन से बहुत माफी मांगता है और वह उसे बार बार बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, और मुझे लगा था मैं दिखने में बिल्कुल बदसूरत हूँ इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ के चला गया था। और तभी सिन उसे बोलती है कि अगर मेरी आंखें दोबारा वापस आ गई तो तुम मुझे फिर छोड़ के चले जाओगे, और तभी रियो बोलता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। और तभी वो उसके माथे पर जो निशान होता है उस पर हाथ लगाती है, और तभी रियो भी समझ जाता है कि सिन की आंखें बिल्कुल ठीक है, और ये जानकर रियो फिर से घबरा जाता है, लेकिन तभी सिन उसे अपने गले से लगा लेती है, और तभी वो बोलती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्यों चाहती थी कि मेरी आंखें वापस आएं, क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहती थी, तुम कैसे दिखते हो और कैसी बातें करते हो और कैसे हंसते हो, तुम मेरे सबसे प्यारे बीस्ट हो। और इसके बाद वो उसे किस कर लेती है, और इस तरह से इनकी प्यारी सी छोटी सी लव स्टोरी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस स्टोरी से हम काफी सारे लेसन सीख सकते हैं, अगर सिन चाहती
तो रियू को कब का छोड़ देती। लेकिन सिन कभी चाह करके भी ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि रियू कैसा दिखता उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो रियू के इंटरनल ब्यूटी से कनेक्टेड थी, एंड ऐसा तभी हो सकता है जब हम किसी को सच्चे दिल से प्यार करें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हैव अ गुड डे एंड सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।